दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आ रहा है। केस दर्ज हुआ है, दरअसल सीलिंग को लेकर जिस तरह से एक वीडियो सामने आया और मनोज तिवारी ने खुद अपने लोकसभा क्षेत्र में एक घर में एमसीडी द्वारा सील की गई एक घर को, उसकी सीलिंग को तोड़ा था, उसके बाद उन पर ये केस दर्ज किया गया है। गोकुलपुरी में सीलिंग तोड़ने के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? काफ़ी देर के बाद ही सही एफआईआर दर्ज हुई है। जी जतिन, गोकुलपुरी जो इलाका था वहां पर रविवार को बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उन्होंने एक मकान की सील तोड़ी थी। हालांकि उस मकान को और इंस्ट्रक्शन के सील किया था, लेकिन संसदीय क्षेत्र होने के नाते वहां पर मनोज तिवारी रैली करते और वहां पर बीजेपी इकट्ठी उनको उस मकान के बारे में बताया गया, तो उन्होंने उस मकान की सील तोड़ी थी। अब जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जो कि सरकारी काम में बाधा एक तरीके से बोले, या यूं बोले कि जिस मकान को या जिस चीज को सरकार ने सील किया है उसको तोड़ना, ये तमाम सेक्शन है 188 आईपीसी, इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। हालांकि इसके बाद निगम द्वारा शिकायत दी गई थी, दिल्ली पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जिसकी वो संपत्ति थी, क्योंकि इस तरीके की बातें भी सामने आई थी कि मनोज तिवारी ने जब उस घर की सील तोड़ी तो कहीं ना कहीं जिस मकान का जो मालिक था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन निगम ने जो शिकायत दी थी उसमें मनोज तिवारी का भी नाम था और उसी को देखते हुए मनोज तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।